सर्दी का मौसम कई लोगों के लिए अपने साथ परेशानियां लेकर आता है, खास तौर पर तब जिन्हें सांस संबंधी समस्याएं हैं। इन सभी बीमारियों को लेकर डॉक्टर स्वप्निल जैन ने सिटी चैनल से कुछ खास चर्चा की। अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि, इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नीचे गिरता तापमान परेशानियों की ओर बढ़ सकता है। सर्दियों में सांस की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में तापमान जब काफ़ी कम हो जाता है तो COPD के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लंग्स में सांस सामान्य तरह से प्रवेश नहीं करती है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए स्मोकिंग से दूर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धूम्रपान करने वालों के आसपास भी न रहें। धूम्रपान करने वालों के आसपास रहना भी पैसिव स्मोकिंग का कारण बन सकता है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर श्वसन रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आज हम आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल जैन से, जो कि अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नानाखेड़ा में श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार इन समस्याओं से बचा जा सकता है। नमस्कार, सिटी 24 के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन, टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अवंती अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन यूनिट को संभालता हूँ। जब से अस्पताल खुला है मैं यहाँ पे तभी से कार्यरत हूँ और छाती रोग विभाग को संभालता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जिसमें शीतलहर पूरी तरह से प्रदेश को चपेट में लिए हुए हैं, जिस कारण से काफ़ी श्वसन संबंधित बीमारियां आदमियों में पाई जा रही हैं और इसकी तीव्रता भी इस मौसम में बढ़ जाती है। कुछ बीमारी जिसे आपने पहले भी सुनी होंगी, अस्थमा, दमा, एलर्जी की शिकायतें, जो कि ठंड मौसम में शीतलहर से ब्रोंकोस्पास्म काफ़ी हो जाता है। ये ठंडी हवाएं श्वसन नली में अंदर जाती है और नसों में सिकुड़न पैदा कर देती हैं, जिसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं नाक बहना, छींके आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार सांस चलना, साधारण ट्रीटमेंट से भी सांस और खांसी का ठीक नहीं होना, ये सब लक्षण दमा अस्थमा के हो सकते हैं, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। ट्रीटमेंट मिलने पर काफ़ी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पेशेंट की हो सकती है और वो सिम्टम फ्री हो सकता है। रिसेंटली आप पेपरों में भी और न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड का भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि कुछ कोविड के केसेस भी अपने प्रदेश में पाए गए हैं। आमतौर पे निमोनिया के केसेस सर्द मौसम, जब भी ये जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता है कि एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज होना, तो इनके केसेस चरम पे आ जाते हैं। कोविड का भी नाम सामने आ रहा है। निमोनिया और इनसे बचने के लिए हमें इलाज समय समय से लेना है, प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाना है। जब भी कोई सिम्टम होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जो कि एक या दो दिन में आपको लगता है सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए किसी भी प्रशिक्षित श्वसन रोग विशेषज्ञ या छाती रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, अपना परामर्श करवाएं एवं इलाज लें। मुंह पे आमतौर से साधारण कपड़ा बांधें, जिससे कि शीतलहर अंदर नहीं जाए और नसों में सिकुड़न पैदा नहीं करें। शरीर को ढंग से ढक के रखें, सर्दी का प्रकोप शरीर पे नहीं पड़ने दें। सर्दी के मौसम में थोड़ा अपना खान पान का भी ध्यान रखें, रात का खाना जल्दी ले लें, इसमें जो है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल फ्री खाने का सेवन जरूर करें, ठंडी चीज़ों का परहेज रखें, खटाई की चीज़ों का, जैसे कि नींबू होता है या जिसमें ज़्यादा तेज खटाई की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से बीमारी बिगड़ती हैं, उनका ध्यान रखें। अस्थमा दमा के लिए इनहेलर सही है, इस किसी भी प्रकार का मिथ्य नहीं पालना कि इनकी आदत पड़ जाएगी या हमको इनको आजीवन लेना पड़ेगा। दवाइयां हैं जब तक शरीर में उपयोगी हैं जब तक देना चाहिए, अन्यथा उसके बाद इसका सेवन डॉक्टर द्वारा बंद कर दिया जाता है। प्रिवेंशन की बात रही, प्रिवेंशन के लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के वैक्सीन आते हैं। जैसे हम बच्चों में वैक्सीनेशन कराते हैं, वैसे ही एडल्ट वैक्सीनेशन भी होता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या श्वसन रोग संबंधित इलाज के लिए अवंती अस्पताल में निसंदेह संपर्क किया जा सकता है। मरीजों की भलाई हेतु कुछ पैकेजेस भी यहाँ बनाए गए हैं, जिनको श्वसन रोग पैकेज या पल्मोनरी पैकेज बोलते हैं। काफ़ी किफ़ायती दरों में सारा पल्मोनरी चेकअप भी किया जाता है। धन्यवाद।